नमस्कार, प्रणाम, सादर अभिवादन कीजिए, स्वीकार। मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। इस समय मैं अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के बस स्टैंड में हूं और इस समय रात को लगभग 11 बज रहे हैं और 11 बजे रात को भी यहां एक शख्स हैं जो पिछले कई वर्षों से लोगों को सूचना देने का काम करते हैं कि कौन सी बस कब कहाँ जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप? अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार माली है। अच्छा, राजेंद्र कुमार माली जी। हाँ। आप पिछले कई वर्षों से हाँ। क्या काम कर रहे हैं? मैं सन 76 से जी बसों की प्रचार किया करते हैं। अच्छा। हाँ। ये वहाँ से सभी बच्चों की इसी से कारोबार करते हैं। अच्छा अच्छा, 76 से मतलब ये है कि करीब 24 साल हुआ और 23 साल ये है ना, करीब 47-48 साल से। तो कब से शुरुआत हुई, कहाँ से आपने शुरू किया बसों की जानकारी देना? तीसरी बस स्टैंड यहाँ हो गई। अच्छा, ये 2012 से यहाँ है। अच्छा, पहली से बताइए, पहली बस स्टैंड कहाँ? पहली बस स्टैंड जी टीएस बाबा का पैलेस के उस पार है। अच्छा, और दूसरी बस स्टैंड पैलेस के इस पार, पुराना बस स्टैंड जी। अच्छा, राज परिवहन के डिपो के बगल जी जी। तीसरी आपके यहाँ है नया बस स्टैंड जी जी। तो शुरू से जरा मेरे को बताइए कि कब से शुरुआत हुआ, कैसे आप बस का सूचना देने लग गए, विस्तार से बताइए जरा अपने बारे में। शुरू से आपको बस स्टैंड जब आया हाँ तो माला फूल का भी काम करते थे। अच्छा, और बसों के भी प्रचार किया करते थे। अच्छा, उस समय दो चार गाड़ी रही। हाँ। समीम रही। हाँ। और हिंद ट्रांसपोर्ट थी। हाँ हाँ। जनता ट्रांसपोर्ट थी। हाँ। विमल ट्रांसपोर्ट थी। हाँ। महामाया ट्रांसपोर्ट थी। हाँ। और आपका रोडवेज रही जी, अली अहमद ट्रांसपोर्ट थी जी, आदर्श आ गई जी, और आपका जयबाला जी चल रही थी जी, तिरुपति चिरमिरी से आपका जी जी झाड़झोपड़ा। उस समय आपका उम्र कितना था? उस समय मैं रहा आपको करीब 15 वर्ष का उम्र। 15 वर्ष का जी। और अब आपका उम्र कितना? 71 वर्ष हो गई। अच्छा, अब 71 साल हो गया जी। हाँ, तो ये करीब करीब आप 50 साल के आसपास से इस काम को कर रहे हैं जी। तो जरा बताइए कि जब शुरू में जब आप अंबिकापुर में इस काम को करते थे जी, बस का प्रचार करते थे हाँ, तो कितना पैसा मिलता था उस समय? उस समय मेरे को 50 पैसा मिलता था एक बस से। 50 पैसा जी। अच्छा, तो उसमें क्या प्रचार आप करते थे? बस जहाँ जाने को है हाँ, जैसे 4 बजे भोर गया जाती थी। अच्छा, तो सरघाटी, औरंगाबाद हाँ, डोभी, मदनपुर, शिवगंज जी, गया की ओर 4 बजे रवाना होती समीम बस जी। अच्छा, 3 बजे हिंद ट्रांसपोर्ट की जी, नालंदा ट्रांसपोर्ट का बस हाँ, समय 3 बजे खुलती थी। वो वाहन के लिए रात भर बस स्टैंड में प्रचार करते थे हाँ, उनकी वाहन की 2:30 बजे गेट खुलती थी। अच्छा, और मैं उनको 3 बजे सवारी को बैठा कर हाँ, और प्रस्थान कराते थे। तो वो जो बस स्टैंड था पहले वाला, वो कितने साल बाद बदला, इधर आया? वहाँ से 2012 में चल दी 5 तारीख को। अच्छा, यहाँ हाँ, नहीं, एकदम शुरू वाला जो बस स्टैंड था, पुराना बस स्टैंड कब आया? वहाँ आई आपको वहाँ से 10 साल पहले। 10 साल पहले जी। अच्छा अच्छा हाँ। फिर कौन कौन नई नई बसें आ गई? नई नई बस आ गई आपको देखिए, एक तो आदर्श आई थी जी, आदर्श। दूसरी आपका राजधानी आ गई जी, सरगुजा आ गई जी, दुर्गा आ गई, सरगुजा आ गया हाँ, दुर्गा ट्रांसपोर्ट पहले से भी थी जी, और आपका बहुत सारी बसें थी, बसें आती थी, राजधानी आ गई, बहुत से बस थी, जयबाला 8-10 चलने लगी जी, और गया की ट्रांसपोर्ट नीलम भी थी जी, और उनकी इधर चिरमिरी चलने लगी जी, डॉल्फिन की बस जी, छाबड़ा की बस है, छाबड़ा की बहुत बस, बाबरा की बस, बाबरा है। अच्छा, ये बताइए कि जो पुराना बस स्टैंड में करीब कितने साल तक आप वहाँ प्रचार किए? वहाँ हम आपको किया कम से कम तो 30 साल। अच्छा, जब वो
सबसे पहले वाले से पुराना बस स्टैंड जो अभी है, हाँ, वहाँ जब आया तो आपको बस का प्रचार का कितना पैसा मिला? वहाँ आपको करीबन 10 रुपया मिलने लगा। 10 रुपये एक बस से जी। तो एक दिन में आप करीब कितना बस का प्रचार करते थे? एक दिन में कम से कम तो 20-25 गाड़ी का प्रचार करते थे। अब चलिए अंबिकापुर के नया बस स्टैंड में अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ आप कितने बसों का भी आप प्रचार करते हैं? यहाँ मैं 300 से ऊपर गाड़ी की प्रचार कर लेती। अच्छा, सुबह से लेके शाम तक? सुबह का अभी छोड़ दिया हूँ 10 साल से। अच्छा, सुबह का छोड़ दिए हैं। अभी कब से कब करते हैं? नाइट में 7 बजे से लेके हाँ कम 11:30 तक करता हूँ। अच्छा, सुबह तक? हाँ। अच्छा, तो अभी आज के डेट में आपको कितना पैसा मिलता है एक बस से? एक बस से अभी कोई 10 देते हैं, हाँ, कोई 20 भी देते हैं, हाँ, लास्ट वाले 50 देता है। अच्छा, लास्ट वाला 50 देते हैं। शिवम बस 11:30 वाली। अच्छा, 11:30 बजे प्रचार करके फिर आप चल जाते हैं। अच्छा, जैसे ये बस जा रही है अभी दुबे रायपुर, तो इसका जैसे अगर आपको प्रचार करना हो तो आप कैसे करेंगे, जरा हमको करके बताइए तो अपने माइक के साथ। हाँ, दुबे ट्रांसपोर्ट की बस प्लेटफार्म नंबर 1 पर लगकर ये वाहन आपकी नाइट सर्विस समय 11 बजे प्रस्थान करेगी। जिन यात्री को रायपुर ध्रुव भिलाई की ओर यात्रा करनी हो, दुबे ट्रांसपोर्ट की कर्मचारी द्वारा सीट सुरक्षित कराकर दुबे की वाहन में प्रवेश करेंगे। ये वाहन नाइट सर्विस समय 11 बजे प्रस्थान करेगी। धन्यवाद जी। माली जी, आप मेरे को बताइए, हाँ, कि आपका परिवार किस तरह का है, कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे बच्चे 4 हैं जी जी, और लड़की 2 हैं जी, और 2 बच्चे यही काम करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? यही बस की आवाज़ लगाते हैं। अच्छा, वो लोग भी लगाते हाँ हैं। अच्छा, आपका वाला काम वो लोग ले लिए हैं दिन वगैरह में? दो। अच्छा, एक अभी नाइटे में कर रहा है। अच्छा अच्छा, एक दिन में करेगा। अच्छा, और एक बच्चा मोहल्ले में सोसाइटी का काम करता है। अच्छा, एक बच्चा जो है घर में गाय का दूध मोहल्ले में पहुंचा देता है। अच्छा अच्छा, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए, अभी तो यह है कि बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जब आप शुरू में अंबिकापुर आए थे, कहाँ से आपका आना हुआ था? रंका से। रंका से? अच्छा, मेन घर आपका रंका है? रंका। अच्छा, रंका से अंबिकापुर आप कैसे आ गए उस समय? रंका से समीम ट्रांसपोर्ट का मालिक लिया है। अच्छा, कि चलिए वहाँ काम करिएगा, वहाँ लोग हाँ नहीं है। अच्छा, आपके जैसा नहीं है मतलब? हाँ हाँ, जो कि तो बहुत हाँ, अब हाँ आए तो यहाँ लोग कहे कि कर पाएंगे बच्चा, हाँ रह जाएगा। क्या नाम हुआ उनका? किसका? समीम ट्रांसपोर्ट के मालिक वो फारूक बाबू का। अच्छा, कहाँ उनका घर? खर वो तो घोरी घाट का है। अच्छा, और यहाँ बरगीडी में मकान उन्होंने बना लिया। अच्छा, और खरसिया नाका पर भी उनकी मकान बन गई जी। उन्हीं का लड़का एक राजहंस वाले बैदुल खान है जी जी, जो राजहंस अभी बस जो चलती है, और दूसरी समीम ट्रांसपोर्ट है जो फारूक बाबू है जी जी, ये दोनों भाई हैं। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो आपको यहाँ लेके आए थे हाँ, और फिर तब से लेके आप यहीं रह गए? यहीं रह गया हूँ। अच्छा, तो अब रंका जाना होता है? अब रंका कभी कभार। अच्छा, कभी कभार अधिकतर यहीं रह रहे हैं। तो खास रंका में घर है कि आसपास? खास रोड पर रंका में। अच्छा, आपको रंका राजा बहुत फेमस है, उनके बारे में थे? हाँ, तो हमारे पिताजी के दोस्त थे वो। अच्छा, दुबराज साहब। अच्छा, राजा गिरवर का लड़का। हाँ, हमारे पिताजी के दोस्त थे। अच्छा, ऐसे चलिए वापस अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आते हैं। अभी जब आप यहाँ पे इस उम्र में भी आप इतना मेहनत करते हैं जी, तो आपको बढ़िया लगता है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, अच्छा लगता है। कितना महीना में कमाते हैं आप करीब? महीना में करीबन वही 10,000 के लगभग। 10,000 के आसपास आप अभी भी कमा लेते हैं इस 70-71 साल के उम्र में भी जी। अब आपका यहाँ घर और सब बन गया है? सब घर तो नहीं बना है। अच्छा, मैं लाल बाबा के घर में रहता हूँ। अच्छा, बेचारे हमसे किराए भाड़े नहीं लेते। अच्छा हाँ, बिरमताल के लाल साहब। हाँ हाँ, अच्छा किराया भाड़ा नहीं लेते नहीं हैं। कुंवर वाले का बड़े पापा का घर है। हाँ हाँ, इतना साल से आप एक ही काम कर रहे हैं, पता नहीं हजारों बसों का प्रचार करते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो आपको इसमें मजा आता है? कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं कोई और काम कर लूँ?
नहीं लगता तो, लेकिन मेरे से दूसरे काम अब होगा ही नहीं, नहीं हो सकता। अच्छा, इसी में आपको कुल मिला के मजा आता समय है, समय कट गया इसी में। हाँ हाँ हाँ। अब कौन सा नौकरी लगनी है जी? नौकरी लगने के टाइम में मैंने गया नहीं। हाँ। टीवी में प्रचार करने को लेने आए थे जी, हमारे घर वाले बोले कि बम्बई भेज देगा। हाँ। मत जाइए। हाँ। नहीं तो आज मैं बम्बई में रहा होता। अच्छा, उनके कहने के नाते नहीं गए। अच्छा, तो आपको इसमें खूब मजा आता है? आप जो कहिए, समय तो इसी में व्यतीत हो रहा। हाँ। अच्छा, आप इतना सालों में कई लाख लोगों का बता चुके होंगे कि भाई कौन सी बस कहाँ जाना है। हाँ, कैसे अरबों खरबों को बता, अरबों को करोड़ों को बता चुके हैं। हाँ, तो कुल मिला के है कि आपको इस काम में मजा आने लगा और पूरा जो जीवन है। हाँ, पूरा जीवन इसी में आप खपा दिए, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, अब एक रॉयल की बस आ रही है और चलते चलते उसका जरा प्रचार कर दीजिए अपने माइक में कि कुछ लोगों को। हाँ, खड़े होके कर दीजिए, मैं भी खड़ा हो जा रहा हूँ। चलिए बताइए जरा। और ये रॉयल की भी बस आ चुकी, जो नाइट पर समय इनकी ये 10:55 पे जाने वाली वाहन लग रही है। सिंह टेबल सही सिंह रहे। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि अंबिकापुर शहर का 11 बजे रात और यहाँ पे अभी भी बाली जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वह लोगों को यह सूचना देने में बिता दिया। तो बने रहिए आप रंगदारी आर्ट के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉयल का टिकट ले रखे हो तो रॉयल की वाहन आखिरी जाएगी, जिन्हें जाना हो रॉयल की वाहन में प्रवेश करें। ये वाहन रायपुर ध्रुव लाई रवाना हो जाती है, समय 10:55 की आखिरी बस। पॉपुलर लग चुकी जो नाइट पर समय 11:25 बिलासपुर की ओर जाएगी। ये वाहन बिलासपुर नंबर पर आखिरी है। दूसरी शिवम ट्रांसपोर्ट की बस लगने आ रही है, जो नाइट सर्विस समय 11:30 की प्रस्थान करेगी। यदि यात्री को जहाँ भी सुनाई पड़ रही है, बेशक प्रतीक्षालय में वेट करें। वाहन शीघ्र लगने आ रही है, जो रायपुर दुर्ग आई समय 11:30 की रवाना हो जाएगी।